पदाधिकारी प्रांतीय पदाधिकारी विधायक जी के कर कमेटी द्वारा के साथी सामूहिक रूप से चीफ प्रधानमंत्री करके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। बिहार प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष अजय संतोषी जी अधिवक्ता नीलम जी मीना देवी सुजीत कुमार विष्णुदेव नागेंद्र सिन्हा जेपी और त्रिपुरारी बाबू के प्रतिमा पर मल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करें। माल्यार्पण का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। जैसे जैसे हमारे पदाधिकारी मल्यार्पण गिरिजा सतीश जी हैं, सम्मानित करेंगे शॉल देकर। गिरिजा सतीश जी वर्तमान लोक समिति के अध्यक्ष शॉल देकर सम्मानित करते हुए देख सकते हो आप। घोषणा किया था कि लोक समिति की स्थापना होनी चाहिए, गांव से लेकर पूरे देश तक लोक समितियों का निर्माण होना चाहिए। देव एक पावन धरा ग्राम प्रतिभा फिलहाल आदरणीय त्रिपुरारी बाबू जो कि लोक समिति के दूसरे जयप्रकाश जी के बाद दूसरे अध्यक्ष उनकी धरती पर आज हम लोग यहां खड़े हैं। हम लोग खड़े हैं आज आदरणीय हम लोगों के अभिभावक है आदरणीय सरजी बाबू की भूमि पर खड़े हैं और निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि दूर दूर से लोग मैं देख रहा हूं दिल्ली से भी कुछ लोग हैं यहां गया से कुछ लोग हैं यहां रोहतास से भी लोग हैं मतलब विभिन्न भागों से लोग यहां पर आए हैं। निश्चित रूप से जो उनकी निष्ठा जो कर्तव्यपरायणता वही होगी उसी का फलाफल है ये क्या इतने लोग यहां एकत्रित हुए हैं और देश के विभिन्न भागों से यहां आए हैं। निश्चित रूप से गांधी जी जयप्रकाश जी ऐसे ही उपदेशकार रहे हैं। गांधी जी ने देश को आजादी भी दिलाई और देश को आगे बढ़ाने का रास्ता भी बताया जिसका जीता जागता ही उदाहरण हम लोगों के सामने खादी का चरखा है। निश्चित रूप से त्रिपुरारी बाबू की याद रही है लेकिन गांधी जी ने स्वरोजगार को खादी से जुड़ा और खुद ही मरते दम तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे। उन्होंने खादी वस्त्र ही धारण किया और लोगों को भी प्रेरित करने का काम किया। सरजी बाबू इसी मिट्टी के थे
मेरा छोटा बेटू, मेरा मित्र है। लेकिन जो मैंने देखा सुना, मैं समझता हूं राजनीति किसी दल से तालुकात न होते हुए भी पुरानी बाबू सभी राजनीतिज्ञों के खास थे। झारखंड में भी उनको सम्मान मिला, बिहार में भी सम्मान मिला, इंदिरा जी ने भी सम्मानित किया। ऐसे बिरले व्यक्तित्व जो हमारे बीच से निकले, हमारी इस मिट्टी से निकले, उनको मेरे तरफ से औरंगाबाद विधानसभा के तरफ से, औरंगाबाद जिला के तरफ से, सूर्य भगवान की नगरी के तरफ से सादर नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मंत्र मंजा सिंह हम लोगों के अभिभावक समान तथा लोक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय सुखदेव जी, कौशल गणेश हराल जी जो राष्ट्रीय संयोजक थे, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय जगन्नाथ बाबू जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, शिवजी बाबू, नागेंद्र बाबू, सुजीत कुमार जी, आदरणीय श्रीमती दुलारी देवी जी, वीरदेव पासवान जी, अरुण मानी जी जो कि दिल्ली के अध्यक्ष हैं, सज्जन कुमार जी, बिंदु सिंह जी, श्रीराम सिंह जी, यशवंत सिंह जी, रामकेवल बाबू, आदरणीय अभिभावक विश्वनाथ बाबू, सगुन बाबू, बिंदु सिंह जी, उपेंद्र सिंह जी, अजय कुमार जी, संतोष जी, नीलम सिन्हा जी, रविंद्र कुमार बाबू, रविंद्र कुमार सिंह जी, सुशांत मिश्रा, मीना देवी जी, अमित कुमार जी, महेंद्र प्रसाद जी, रत्नाकर बाबू, विनय जी, हितेव जी, नरेश जी, तमाम जितने भी यहां पर उपस्थित मेहमान व्यक्तिगण हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अभिनी कुमारी बाबू और लोक समिति के इस 44वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए और इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। मुझे इस बात को करते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि ये काम जो लोक समिति के द्वारा किया गया, आदरणीय त्रिपुरारी बाबू के परिजनों के द्वारा भी उनकी जयंती और उनका पुण्यतिथि मनाने का कार्य होना चाहिए था, क्योंकि जितनी ख्याति उन्होंने देश में घूम घूम कर अर्जित की, निश्चित रूप से औरंगाबाद में भी उनका उतना सम्मान होना चाहिए जिस प्रकार से वही भावना लगी है। हमको लगता है कि पहले से ज्यादा अभी लाल दिया और पहले से लोग ज्यादा दिया और पूरा बिहार से बिहार का खाद्य व्यवस्था खत्म हो गया है। अकेला दक्षिण बिहार का जो सेंटर है वो त्रिपुरारी वालों के कहने वो कैसा सुझाव बताया गया है आज ये काम है और दक्षिण बिहार की खाद्य चल रही है। इस मैदान में अंतिम में एक पौधा लगाना है आम का और एक बरगद का। त्रिपुरारी शरण अमर रहे। गाँव में
जयप्रकाश नारायण जी दो रात बिताए इसी बाबू के घर है पुराने मकान में जयप्रकाश दो रात नारायण जी दो प्रभावी जी दोनों दो रात बिताए हैं उस समय हाई स्कूल में कार्यक्रम हुआ था इसको उठा धर तो ए तो उठाओ आराम से बढ़िया लोक समिति के 44वें वर्षगांठ की स्थापना दिवस अब समाप्त होती है अब समाप्त हो गई है गाइस एक सभी हुआ समाप्त हो रही है तो सभी भोजन की व्यवस्था है सारे लोग भोजन करेंगे बबन जी हैं और बिट्टू जी हैं हमारे ही गांव के सब हैं और भी लोग हैं सब कई जगह है कार्यक्रम के समाप्ति के बाद खाना पीना का कार्यक्रम चालू है राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा आप देख सकते हैं एक मिनट दोनों साइड हो जाए पानी भी दे देना बाबू अध्यक्ष जी के हाथ में आम का वृक्ष थोड़ा सा सर इधर विधायक जी और अध्यक्ष जी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं देख सकते हैं दूसरा वाला प्रांतीय पानी दे दीजिए पानी हम लोग इसमें लग गए हैं वो भी बनता है जी 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 हो गए ले पानी दो ना उनको 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 दो ना हो गया ए आई जाए 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 बगल में कॉर्नर पर यहाँ खड़ा हो ना यहाँ कॉर्नर ठीक भी लोक समिति के प्रांत अध्यक्ष जगन्नाथ बाबू
एकर कमलों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम लोक समिति के वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोक समिति के स्थापना दिवस का कार्यक्रम अब समाप्त होता है, समाप्त हो चुका है। देख सकते हो आप सारे लोग अब अपने अपने जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।